मेरे शहरों में आपका स्वागत है। आज है मंडे और ये है मौसम का अपडेट। धुंधला धुंधला सारे ये गम भुला के धुंध, मौसम बहुत ही ऐसा है ग्लूमी सा। मंडे मतलब मम्मी का छुट्टी। सुबह सुबह हमने उठे, रिकी को वॉक पे ले गए। हर एक फीट में रुकते ही है ना मम्मी, सीधा चलना ही नहीं है उसको। रिकी चलो तो क्यों, यहाँ रुका है ना, देखो अभी यहाँ रुका, फिर यहाँ रुकेगा अभी, फिर यहाँ रुके। हिकी सीधा चलो ना, सीधा रुको, थोड़ा सबर करो। क्या हो गया, इतना क्यों चल रहा था, इतना क्यों पूछ लाया था मामा को देख के। गंदा नहीं, अभी जंप नो। वैसे ये फ्रेम इतना सुंदर लग रहा है ना, पर टेन टेन पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया सुबह का काम। अब हम लोग, पहले तो मम्मी ने बोला था मूवी देखने, क्योंकि पहला थिएटर खोला है यहाँ पे, तो मम्मी ने बोला था कि मूवी देखने ले जाओ। अब बोल रही कि नहीं जाना, तो फिर मैं बोला फिर क्या करेंगे। तो मम्मी, हम लोग एक लोकल मार्केट है वहाँ पे ना, फिश मिलता है, क्या क्या मिलता है, लोकल आइटम्स मिलता है, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से कुछ देखते कुछ तो लेके आएंगे, मतलब जो अच्छा लगे। इसके बाद हम लोग लंच बना के साथ में खाएंगे और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो अभी मम्मी का वेट कर रही हूँ, मैं हूँ तैयार। आधा घंटा के लिए बेटी बेटा, आधा घंटे में हम लोग यू गए और यू आए। प्याली प्याली दुल्हन लोग अभी आए थे, थोड़ा सा बेटी बेटी कर लो, देखिए आधा घंटा में हम लोग अभी जाके सब्जी लेके और ननू के लिए बिस्किट लेके आएगा, तब तक स्लीप कर लो दे। मम्मी इतना लेट कर रही हो आप, मम्मी मैंने पहली बार लाइफ में ऐसा सेम कलर का शेड, मतलब ये सेम नहीं है लेकिन ये ऑरेंज का शेड है और ये ब्राउन का शेड है, तो ऑलमोस्ट सेम ऐसा पहली बार पहना है, तो मुझे अजीब भी लग रहा है और ठीक भी लग रहा है। आज मेरे अंदर में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी है, पता नहीं कहाँ से है। मुझे एक बात का डर है यार, मुझे लग रहा है कि जब तक हम लोग आएंगे तब बारिश ना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी छाता लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि ऐसे कौन हाथ में लेके जाए, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मम्मी छाता हाँ लेने से ठीक है, सोच रहा हूँ लग रहा है कि बारिश होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? Presenting, मम्मी। आपको क्या देते भाई, होगा? Come on baby, I'll play dance with you. मम्मी क्या पहना आपने? मम्मी ने ये पहना है मनीष मल्होत्रा और ये है मसाबा और ये है कसाबा हम लोग बाहर हंस रहे थे ना, तो उसका भी मन क्या हुआ, ब्लैंकेट लेके आ गया बाहर। हम दोनों को बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है एक साथ पूरा दिन बिताने का, तो आज छुट्टी, सारी दुकान बंद। मंडे में ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे शॉप तो वैसे तो बंद होना चाहिए लेकिन जिसकी मर्जी खोल सकते हैं, खोलना चाहे तो ऐसा खुलता है। पहले तो लेकिन आप नहीं खुलता था ना, पहले खुलता है मतलब 2 बजे तक। अच्छा, हाफ डे। हाय, कौन है? पता नहीं। आए, आए, बोल रहे। क्या है पैसा? मिठाई खाओ, मिठाई दे। अभी नहीं मम्मी, यहाँ तो ओए हाँ और मिठाई खाओ, हाँ मिठाई, चॉकलेट मिठाई। बिक जाएगा माटी के मोर, पहले ब्रेकफास्ट कर लेगा ना, क्योंकि सामान लेके कैसे ब्रेकफास्ट करेगा। हो जाएगा चटनी, हो जाएगा।
हमारी सब्जी का शॉपिंग हो गया, मैं घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या लिया हमने। मैं अपना पुराना स्कूल से जा रही हूँ। मेरा स्कूल, उसका नाम है IGJ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे हम लोग करते थे परेड, ये था हमारा ऑडिटोरियम, इसके अंदर मैं नाचती थी। मम्मी बोलती कि मुझे नहीं लग रहा आज मैं लंच कर पाऊंगी, तो मैंने बोला क्यों, तो क्यों बोला था मम्मी, क्यों? क्योंकि पराठा खाया और अंडा खाया ना, हाँ, और चाय पे पेट ना अंदर पूरा फाइटिंग कर रहा है। ये करके जो खाली में जो जो हम खा सकेगा और पूरा भर गया, मतलब ना अंदर मतलब तबाही तबाही मचा रहा, मतलब पेट के अंदर तबाही मचा दे, मतलब ना ये सिंपल से कैसे खा सकेगा। सही बात, शांत होगा ना तो क्यों, मतलब खा सकेगा। पहले मूवी का प्लान कैंसिल किया, अभी लंच का प्लान कैंसिल, ऐसा नहीं होगा। लंच तो कैंसिल नहीं होगा, मूवी तो देखने दिल नहीं। नानू सुंदर बच्चा क्या किया था ना प्यार पे। हम पहले तो लाया ये ड्राइड फिश, जो कि मैंने बहुत सालों से नहीं खाया ड्राइड फिश, ये लाया। और ये बॉयल क्या साग है मम्मी, है पाकू में क्या है, और मिक्सचर नहीं है ना ये साग, और ये काटा काटा वाला साग, ये है पत्ता मिर्ची, इसको पत्ता मिर्ची बोलते हैं क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटा होता है इतना, लेकिन इतना तीखा होता है ये। और कच्चा हल्दी चाहिए था तो कच्चा हल्दी लेके आए, और ये है धनिया। तो आज हम बनाएंगे ये और ये टमाटर। ये लाइट ऑन करो ना, लाइट ऑन करो ना, अंधेरा हो रहा है बहुत। क्या क्या किया अभी तक, इसको अभी गर्म पानी में 10 मिनट, इसको गर्म पानी में भिगो दिया फिश को, आलू को अलग से उबाल लिया। तो मतलब मम्मी अगर इसे देखा जाए, आलू तो पका हुआ है तो ये मछली भी तो पका ही हुआ है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने, मतलब मसाला को पकाना है बस। ये तो अच्छे से सुखा के करके तो थोड़ा सा पकने से हो गया, और गर्म पानी में भी डाल दिया और आलू भी हो गया। मिर्चा तो है हमें, हाँ उसमें भी है मिर्चा, लहसुन और अदरक, लहसुन अदरक मिर्चा फिश और आलू और टमाटर और धनिया, बस इतना ही चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। एक प्याज काफी है ना, हो गया डन। देखो मम्मी हो जाएगा ना, सिर्फ क्या पक्को मरोगे मिक्स करके, और कुछ नहीं डालेगा टमाटर वमाटर, नहीं नहीं ठीक है। गरम नहीं है बर्तन, गरम नहीं भाई, क्या हाथ में गरम नहीं लगा है मेरा उस दिन, ऐसे कढ़ाई से ना फिर वैसा हो गया जल के, ऐसे ऐसे बना रहा था कढ़ाई ऐसे लगे। और यहाँ पे ना मेरे 3-4 दाग है, ये एक पुराना वाला दाग, और नहीं यहाँ पे पुराना वाला दाग ये साइड में, और ये है उस 1 महीने पहले हुआ, और ये है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी 3-4 दिन हुआ है, 3-4 दिन पहले हुआ। लहसुन अदरक और सारे मसाला मिर्च जो भी चाहिए उसका एक साथ इसको हमने मिला दिया है। चावल पीटा, चावल पीटा जल्दी, चावल जल्दी, चावल चढ़ा दो, खाना है तैयार।
गन मम्मी, ये है साग बॉयल जो कि बिना मतलब बिना पानी का बनाया, और ये है ग्रेवी वाला, और जो ये छोटे छोटे मिर्चा लेके आया था, ये मिर्चा यहाँ बहुत गर्म है। ये एलियंस ने मेरे लिए बना दिया, उसने अभी भी बनाना सीखा है, ये नया नया इस तो फर्स्ट उसने बनाया है, ये सेकंड है, देखो लाइट चली गई यहाँ पे, ऐसे होता है, ये है लाइट। मैं सो गई थी थोड़ा, मंडे का मैं बहुत एक्साइटेड होके वेट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी दिन मम्मी का काम होता है, और मंडे के दिन के लिए मम्मी बहुत सारा काम रख देती है, जैसे कि चावल साफ करना, बड़े बड़े बेडशीट धोना, पर्दे धोना, ऐसे बड़े बड़े काम जो कि आप डेली नहीं कर सकते वो करके करती है, रखती है मम्मी। तो आज क्या हुआ, दोपहर तक हमने साथ में टाइम बिताया, फिर उसके बाद ये सब काम में लग गए, फिर मैं थोड़ा सो गई थी। अब शाम के 4 बजे शायद, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे गया, वैसे मैंने सेलिब्रेट तो नहीं किया, लेकिन एलिस और मम्मी ने केक लाया था तो हम तीनों ने मिलकर केक काटा, तो उसका मैंने क्लिप बनाया। उस दिन भी लाइट नहीं थी, जैसे आज लाइट नहीं है, उस दिन भी लाइट नहीं थी, तो हमने इधर ही बाहर ही बैठ के काटा था केक। पता है इस बर्थडे मुझे क्या गिफ्ट मिला, विंटर के गिफ्ट, शॉल, टोपी, सॉक्स, हाँ मतलब काम की चीज़ें, लेकिन मुझे बर्थडे पे कुछ चाहिए था अच्छा, पर चेन बनवाया अपने लिए बर्थडे पे, चेन मतलब कि कमर में पहनने वाला चेन, ये चेन सिल्वर का, मुझे बहुत पहले से चाहिए था, मुझे बहुत मन था पहनने का, तो मैंने इस बर्थडे पे बना ही लिया। तो आप क्लिप देख लो तब तक बर्थडे वाला। तो इसके बाद तो मैंने शूट नहीं किया, इसके बाद मतलब सुबह हम लोग मंदिर गए जैसे हर बर्थडे पे जाते हैं, और केक काटा, और फिर एलिस और मैं घूमने चले गए नदियों में, कहाँ कहाँ खाना पीना लेके बैठ के, एकदम रिलैक्सिंग डे था, ऐसा कुछ हमने पार्टी क्लबिंग कुछ की नहीं। दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं मेरे दोस्त, दो लड़के, एक पंजाब में, एक मालदीव्स में, एक एलिस मेरे साथ है, और एक पोनू है जो कभी कभी मिल जाती, बस तो मेरा दोस्त ही नहीं है, तो मैंने किसी के साथ कुछ सेलिब्रेट ऐसा बड़ा कुछ नहीं किया। और एक बात वीडियो ख़त्म करते करते मैं बताना चाहती हूँ कि परसों मैं दिल्ली निकल रही हूँ, मैं, एलिस, हिकी और डेलिसा, तो पहली बार दो डॉग को लेके साथ में जा रहे हैं, तो पता नहीं कैसा ट्रैवल होगा, क्या होगा, मैं ट्राई करूँगी उसका भी शूट करने का। प्रोसीजर बहुत, टिकट ये करने का प्रोसीजर बहुत ही लंबा था, और जर्नी उससे भी लंबा है, 2 दिन का जर्नी है। पता नहीं, मैं शायद दिल्ली जाके ही आप लोगों से मिलूँ दोबारा इसके बाद, तो तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए। अच्छा एक बात, मुझे कमेंट आया था कि अपनी स्किन का ख्याल रखो, तो अभी क्या हुआ, समर में मैं जो स्किन केयर कर रही थी वो अलग था, ठीक है, तभी विंटर आने के बाद से मुझे ना समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ अपने स्किन के लिए, तो मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए इस बार मुझे लगता है सूट नहीं कर रहा मेरी स्किन को, तो शायद इसीलिए बहुत ड्राइनेस हो रही है, और देखो एक्ने भी बहुत दिख रहा है, तो अभी तक तो मुझे ना राइट प्रोडक्ट नहीं मिला मेरे स्किन के लिए, विंटर्स के लिए, तो मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं बता दूँगी कि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली भी होता है, ड्राई भी होता है, पर विंटर में तो पता नहीं, समझ ही नहीं आता ज़्यादातर ड्राई रहते हैं या ऑयली रहते हैं, क्योंकि देखो अगर मेरा स्किन ड्राई है, ठीक है, तो इसलिए सो वाइट पैचेस और देखो ऐसे से हो रहे हैं, लेकिन पिंपल भी आ रहा है, मतलब ऑयली भी है, तो क्या यूज़ करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, पर मैं अभी देख रही हूँ रिव्यूज़ वगैरह ये वो, अगर कुछ मुझे अच्छा सा मिलेगा तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि विंटर में क्या यूज़ करना चाहिए। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक होपफुली मैं दिल्ली पहुँच चुकी होंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक।